श्रीधाम वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का तीसरा और अंतिम शाही स्नान पारंपरिक रूप से संपन्न हुआ। कालंदी के तट पर धर्म संस्कृति के अद्भुत समावेश के बीच अन्य अखाड़ों के श्री महंत महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं के साथ संतों ने अखाड़ों के निशान और धर्म ध्वजों को यमुना में स्नान कराकर स्वयं भी आस्था की डुबकी लगाई। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संत महंतों के साथ यमुना महारानी का दुग्धाभिषेक कर यमुना स्नान किया। वहीं दूर दराज से आए लाखों श्रद्धालु भक्त भी यमुना में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बने। संत धार्मिक धुन और भगवान के उद्घोषों से संपूर्ण वातावरण भक्ति से ओतप्रोत नजर आया। इस बीच जिला प्रशासन द्वारा अंतिम शाही स्नान के मौके पर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए। स्नान हुआ जिसमें सभी मंत्री और जो है सभी अखाड़े के साधु संतों ने पूजन अर्चन करके और शाही स्नान किया और आज ये कुंभ मेले का भव्य और दिव्य तीनों शाही स्नान समापन हुआ। उसके लिए शासन प्रशासन और सभी पत्रकारों को शुभ आशीर्वाद। हम आज पुष्कर राज से बहुत तीसरा शाही स्नान बहुत आनंद में बहुत अच्छा है और वर्षों जो होता था उससे कई गुना अच्छा है। हमारी व्यवस्थाएं हैं और बहुत शांति है। हमारा राम सुन गोपाल धाम खालसा है जो ये घर में सा लगता है, अभी हरिद्वार में भी लगेगा और जो ही राम सोई राम गौ माताओं की सेवा हो रही है। अच्छा चल रहा जो ही राम सोई राम इस आयोजन को किया गया। हमारे सभी साधु संतों और सभी हमारे अखाड़ों के खालसों के सभी के आशीर्वाद से इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूर्ण कराया जा रहा है। यमुना का जल साफ स्वच्छ अविरल आचमन योग्य है जिससे कि हमारे साधु संतों को स्नान करने में भी एक अच्छी अनुभूति हो रही है। हमारे दर्शनार्थी श्रद्धालु सभी इस सुव्यवस्था के दृष्टिगत यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में आ रहे हैं, अच्छी संख्या में आ रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर कुंभ में आकर एक अच्छा अनुभव उन सभी का रहा है। तो सभी विभागों की व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से कराई गई हैं। हमारे PWD विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, पुलिस डिपार्टमेंट, अन्य सभी विभागों के द्वारा चाहे वो पेयजल सीवरेज की व्यवस्था हो चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो सभी अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से कराई गई जिसके फलस्वरूप आज एक अच्छा आयोजन एक भव्य और दिव्य आयोजन हम सब यहाँ पर वृंदावन में करा पा रहे हैं। होली में देखने को मिली है तो क्या कहेंगे जी। यहाँ ब्रज की होली तो विश्व पर प्रसिद्ध है और हमारे यहाँ पर इस शाही सवारी के दौरान हमारे पूज्य साधु संतों ने और सभी श्रद्धालुओं ने आज होली और गुलाल के साथ भी इस आयोजन का लाभ लिया। तो सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा, आमंत्रित भी करना चाहूँगा, इस शुभ अवसर पर आए और वृंदावन पूर्व वैष्णव बैठक में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और ब्रज की होली का भी आनंद लें और यहाँ पर इस दिव्य आयोजन में भी प्रतिभाग करें।